सुनो सुनो सुनो, थाना कासराबाद जनपद गाजीपुर के मुकदमा अपराध संख्या 283/2023, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी मादावी से संबंधित फरार अभियुक्त रियाज अहमद अंसारी पुत्र अब्दुल मन्नान अंसारी निवासी वार्ड नंबर 2 मोहल्ला दक्षिण टोला बहादुरगंज थाना कासराबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध माननीय न्यायालय मोहम्मदाबाद द्वारा जारी किए गए 82 CRPC के आदेश की कार्रवाई की जा रही है। परवेज जमान पुत्र स्वर्गीय जैनुल हक निवासी कसाब टोला बहादुरगंज थाना कासराबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध माननीय न्यायालय मोहम्मदाबाद द्वारा 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के करीबी सदस्य नगर पंचायत अध्यक्ष बहादुरगंज रियाज अंसारी सहित 3 लोगों के एक मामले में पिछले काफी दिनों से फरार चलने के कारण आज कोर्ट के आदेश पर कासमाबाद पुलिस ने रियाज अंसारी, परवेज अहमद और नजीर अहमद के घरों पर कुर्की से पूर्व की 82 की कार्रवाई कर मुनादी कराकर घोषणा करवाया। इस दौरान यदि 1 महीने के अंदर तीनों आरोपी कोर्ट के समक्ष या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ओम वीर सिंह ने और क्या बताया, आइए जानते हैं। थाना कासराबाद में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 283/23 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, जिसमें वहाँ की पूर्व चेयरमैन निकट परवीन और वहाँ के मैनेजर उसमें मुलजिम थे और ये फर्जी तरीके से पूर्व चेयरमैन निकट परवीन की उसमें नियुक्ति की गई थी, जिसकी विधिवत शासन द्वारा जांच कराई गई थी और उसके फलस्वरूप अभियोग पंजीकृत किया गया था। जब उसकी विवेचना की गई थी तो उस पूरी साजिश में जो वर्तमान चेयरमैन है बहादुरगंज का, वो इसके अलावा शिक्षा विभाग का एक कर्मी और अन्य लोग जो उस समय उस भर्ती बोर्ड में थे, ये सभी इसके दोषी पाए गए थे। और जैसा विदित है, जो वर्तमान चेयरमैन है बहादुरगंज, वो जो माफिया IS-191 सरगना मुख्तार अंसारी का विशेष सहयोगी है, उसके द्वारा तत्समय अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये नियुक्ति अपनी पत्नी की कराई गई थी, क्योंकि जो पूर्व चेयरमैन थी वो उसी की पत्नी है। और पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार करके पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है, लेकिन ये अन्य लोग इसमें अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। इनके सभी संभावित स्थानों पर पुलिस द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा इन सभी के विरुद्ध 82 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आज 82 की कार्रवाई सभी अभियुक्तों के जो स्थान हैं वहाँ पे की गई है विधिवत, और शीघ्र ही प्रयास किया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा, इनकी कुर्की ली जाएगी तथा इनकी संपत्तियों को, जो भी इनकी चल संपत्ति है, उन्हें कुर्क किया जाएगा।